बुरहानपुर जिले में कांग्रेस का दावा है कि डायरिया से 6 से 7 लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन नगर निगम महापौर ने कांग्रेस नेताओं के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें, नगर निगम महापौर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम प्रशासन को सचेत करने के लिए धरना दे रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति की मौत डायरिया से ना हो। वही नगर निगम महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी आती है, लोगों की मौत डायरिया से नहीं बल्कि गर्मी से हुई है। पीएचसी विभाग को 4-4 बार हमने सैंपल दिए, कोई भी जो 10 वार्डो में ये कांग्रेसी भाई लोग मेरे बोल रहे हैं कि बहुत गंदा पानी आ रहा है, हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, एक भी बार कभी एक आधी दुकान की कभी दिक्कत आई हो तो, पर अभी तो कोई वार्ड में दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी टीम घूम रही है और पीएचसी विभाग को भी हमने अपने नगर निगम में सैंपल दिया हो तो बात अलग हो जाती है। पीएचसी विभाग को सैंपल दे दे के 4 बार हमने सैंपल दिए, हमें भी एक हम भी मानव है, हमें भी दुख होता है कि डायरिया से बच्चे मर गए, डायरिया से बच्चे शांत नहीं हुए है, ये गर्मी बहुत तेज है और इसकी देखरेख बच्चों की देखरेख हमें खुद को करना चाहिए। पानी दूषित है, पानी का दूषित होना बिल्कुल मैं मानती ही नहीं हूँ। पीएचसी विभाग को 4-4 बार हमने उसका दावा ठोक के बोलती हूँ कि पानी दूषित नहीं। मानवता सर्वथा हो रही है बुरहानपुर शहर में, जहाँ पर कि बच्चों की डायरिया से मौत होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना लापरवाह स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ के सांसद हैं। उनको जरा सी फिक्र नहीं है कि बुरहानपुर में आम जनता क्या दुख झेल रही है, बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है, अस्पताल की स्थिति बद से बदतर, शहर में गंदगी का ढेर पड़ा है, गंदा पानी शहर की जनता पी रही है। बल्कि उनको कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ अपनी मस्ती के सत्ता के मदहोश मद में बेहोश घूम रहे हैं और नींद की गोली खा के सो रहे हैं, उनको जनता के लिए फिक्र नहीं। हमने आज कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर मैडम से भी बात की है और महापौर चैम्बर के सामने बैठ कर कांग्रेस पार्षद दल कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया। अफसोस और दुख भी हो रहा है कि हमें इस बात के लिए यहाँ विरोध करना पड़ रहा है कि जहाँ मानवता सर्वसार हो रही है उसको बचाने के हमें विरोध करना पड़ रहा है, ये राजनीति करने की जगह नहीं है। ताकि मजबूरी में जब भाजपा ही कंबल ओढ़कर सो रहे हैं और मस्ती में मस्त है, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें जगाने के लिए यहाँ बैठकर जनता की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस